माननीय सदस्य गण, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और यही संसदीय परंपरा भी है। यहां सदन में फिर खेद प्रकट करने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि संसदीय प्रणाली मजबूत होती है। शुरू किया जाएगा उसको। माननीय सदस्यगण, मैं अपने तरफ से सत्ता विपक्ष को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हम मिल करके बेहतर और सुंदर बिहार के लिए, विकास के मामले में हम काम करने के लिए आए हुए हैं चुन करके। इसलिए जनता के प्रति हम जिम्मेवार हैं। हम सब लोग अपने जिम्मेवारियों को इस सदन में शांतिपूर्ण तरीके से उठाने का काम करें। और एक ही निवेदन मैं करूंगा, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष से, कि जो प्रश्न काल है, मैं चाहूंगा कि प्रश्न काल को, अन्य कार्यक्रम को भी नहीं बाधित किया जाए, लेकिन प्रश्न काल को बिल्कुल चलने दिया जाए, क्योंकि बड़े मेहनत से आप अपने क्षेत्र के समस्या लाते हैं और सरकार भी बड़े मेहनत करके आपके प्रश्नों को जवाब लेकर आती है। इसलिए प्रश्न काल को कभी भी बाधित न किया जाए। और जो कल घटना घट गई, उस क्रम में जो लोकतांत्रिक तौर तरीके रहे हैं, आज ही नहीं पूर्व से माननीय विरोधी दल के सदस्यों ने जो धरना दिया विधानसभा के पोर्टिको या उसके जो सीढ़ी है उस पर बैठ करके, तो मैं कहना चाहता हूं अपने माननीय सभी सदस्यों से, ये परंपरा कोई नई नहीं है, चलती रहती है। यहां विचारों का संघर्ष और लड़ाई होती है, कोई शारीरिक संघर्ष करने का यह जगह नहीं है। इसलिए कोई भी अगर धरना पर बैठे तो कोई भी माननीय सदस्य उनको छेड़छाड़ न करें, न उन्हें लड्डू खिलावे, न उन्हें पानी पिलावे। अगर इस तरह के बातें हुई है तो मैं चाहूंगा कि भविष्य में यह नहीं होना चाहिए। माननीय सदस्यगण, महोदय, हम सरकार की तरफ से भी आसन के प्रति आभार प्रकट करना चाहते हैं कि आज सुबह जो हमारे अनुरोध पर जिस सकारात्मक पहल की आपने शुरुआत की, आज सदन उसका इस वक्त साक्षी बना है। यह सदन